पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को एक पूरे फर्जी केस में गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने अमानतुल्ला को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया, कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो सकता है, सभी कार्यकर्ता गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। केजरीवाल सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार की जांच में जुटी केंद्रीय एजेंसियां अब इन दिनों किरदारों तक पहुंच गई हैं। पहला किरदार विजय नायर, जिसे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, इसे कल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था, और दूसरा समीर महिंद्रू, जो चर्चित शराब कारोबारी है, और इसे ईडी ने दबोच लिया है। अब दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तारी का अगला नंबर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का है। दिलचस्प बात यह है कि यह दावा बीजेपी तो कर ही रही थी, अब आम आदमी पार्टी भी यही दावा कर रही है। खुद सीएम केजरीवाल ने इस मामले में क्या कहा, सुनिए। कल उन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार किया। कौन है विजय नायर? आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारा कम्युनिकेशन का काम देखता है। पहले इसने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया था, पंजाब में हमारी सरकार बन गई। अब विजय गुजरात का कम्युनिकेशन संभाल रहा था, गुजरात की सारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाता था, गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा था। उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कह रहे हैं कि उसने शराब घोटाला किया है दिल्ली में। मुझे समझ नहीं आता उसका शराब या शराब घोटाले से क्या लेना देना है। पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताछ के लिए बुला रहे थे लोग, उस पर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती डाला जा रहा था कि झूठ मूठ मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, नहीं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए कल इसको गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड की, कुछ नहीं मिला। मनीष जी के बैंक लॉकर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। अब ये इस तरह से जोर जबरदस्ती करके मनीष सिसोदिया को फंसाना चाहते हैं। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को एक पूरे फर्जी केस में गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने अमानतुल्ला को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया, कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। अगर इन्होंने विजय नायर जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है, तो ये लोग किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर विजय नायर गिरफ्तार हो सकता है, तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो सकता है, सभी कार्यकर्ता गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। ये लोग आपके ऊपर भी झूठा केस लगा के आपको गिरफ्तार करेंगे, देश भर के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं, खासकर गुजरात के कार्यकर्ता तैयार हैं। ईडी और सीबीआई का दावा है कि आरोपी समीर महिंद्रू ने करोड़ों रुपए देकर आबकारी नीति को प्रभावित किया, जबकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि गुजरात चुनाव में हार की डर ने बीजेपी को ईडी और सीबीआई का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है, यानी आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि जांच से बचने के लिए आम आदमी पार्टी दरअसल विक्टिम कार्ड खेल रही है। बहरहाल इन राजनीतिक बयानबाजियों के बीच ईडी और सीबीआई की जांच जारी है। दोनों एजेंसी शराब नीति पर हुई किसी भी तथाकथित गड़बड़ी को खंगालने में जुटी है। इस मामले से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।